इन दिनों बॉर्डर क्रॉस करके प्रेमी जोड़ों का एक दूसरे के देश में जुगाड़ से आ जाना बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश आ जाना, वो भी बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए, ये उस देश की सुरक्षा पर बड़ी सेंध की तरह है। पहले पाकिस्तान से सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के लिए भारत आई, इसके बाद राजस्थान की रहने वाली अंजू सीमा पार करके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्ला से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा और अंजू के बाद एक और ऐसी ही खबर सामने आई है। अब एक चीनी महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए खैबर पख्तूनवा पहुंच गई है। चीनी महिला का नाम सुन गाओ फेंग बताया जा रहा है। 20 वर्षीय सुन गाओ फेंग अपने 18 वर्षीय प्रेमी जावेद से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। चीनी महिला 3 महीने की यात्रा वीजा पर चीन से गिलगित होते हुए सड़क मार्ग से इस्लामाबाद पहुंची है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक गाओ फेंग निचले दीर के समरबाग इलाके में टूरिस्ट वीजा पर आई है, जो 3 महीने के लिए वैलिड है। जावेद मूल रूप से खैबर पख्तूनवा प्रांत के बाजौर जिले का रहने वाला है, लेकिन वह निचले दीर जिले में अपने चाचा के पास रहता है। पुलिस ने चीनी महिला को सुरक्षा प्रदान की है, साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाओ फेंग के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जावेद और फेंग की मुलाकात स्नैपचैट पर हुई थी और वे पिछले 3 वर्ष से एक दूसरे के संपर्क में थे। 20 वर्षीय फेंग खैबर पख्तूनवा प्रांत आने से पहले गिलगित बाल्टिस्तान में यात्रा की थी। पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फेंग ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना इस्लामिक नाम किस्वा रख लिया है। फेंग जावेद से शादी करना चाहती है, लेकिन अभी तक उनके निकाह की खबरों की पुष्टि नहीं हो सकी है। वही बात करें पाकिस्तान जाने वाली अंजू की, तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 अगस्त को भारत वापस लौट रही है। अंजू इस्लाम धर्म अपनाकर फातिमा बन गई है। अंजू पाकिस्तान जाने के लिए 20 जुलाई को अपने घर से निकली थी। उसके घर से निकलते हुए CCTV फुटेज भी सामने आए थे। अंजू ने पाकिस्तान जाने के बाद अपने पति और परिवार के अन्य लोगों से छिपाई थी। उसने अपना पासपोर्ट भी पुराने पते पर बनवाया था। पाकिस्तान जाने से पहले उसने एक नई सिम भी खरीदी थी। अंजू अब भी सवालों के दायरे में है।